दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में। सर्दी आते ही त्वचा शुष्क हो जाती है और हर घर में वैसलीन का उपयोग होना शुरू हो जाता है। वैसलीन जो है वो आम क्रीम या लोशन के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छी होती है। इतना ही नहीं, लड़कियां तो इसे मेकअप प्रोडक्ट के तौर पर भी यूज करती हैं। दरअसल वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली है जिसे नेचुरल वैक्स और मिनरल्स ऑयल्स के साथ बनाया जाता है, जिसे लगाने से स्किन में नमी आती है। वैसलीन सिर्फ त्वचा के रूखेपन को दूर नहीं करता बल्कि इसके कई फायदे हैं। तो आइए जानते हैं वैसलीन हम किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप चेहरे के लिए स्क्रब बनाना चाहती है तो वैसलीन में थोड़ा सा दरदरा नमक मिला ले, त्वचा पर इसे लगाकर हल्के हल्के मसाज करें। इससे चेहरे के डेड सेल्स हट जाएंगे और साफ त्वचा सामने आ जाएगी, जिससे चेहरा ग्लो करने लगे। परफ्यूम शरीर पर देर तक टिका रहने के लिए वैसलीन अपने कलाई और गले पर परफ्यूम के साथ लगा ले। ऐसा करने से खुशबू देर तक रहेगी। टूटे और दो मुहे बाल छुपाने के लिए वैसलीन एक बेहतर उपाय हो सकता है। इसे दोनों हाथों में रगड़कर हल्के हाथ से बालों पर लगा ले। पुराने जूतों को नया बनाने में वैसलीन आपकी सहायता कर सकता है। थोड़ा सा वैसलीन अपने जूतों पर रगड़ कर देखें, जूते चमकने लगेंगे और बिल्कुल नए जैसे दिखाई देंगे। अगर आपके होंठ सर्दियों में सूखे होते हैं और फट जाते हैं तो वैसलीन के साथ चीनी के कुछ दानों को मिलाकर आप खुद के लिए एक लिप स्क्रब बना सकती हैं। इसके अलावा इसमें समुद्री नमक मिलाकर शरीर की त्वचा की नमी बरकरार रखने के लिए आप खुद के लिए बॉडी स्क्रब भी तैयार कर सकते हैं। अगर इयररिंग्स पहनते वक्त आसानी से कान के अंदर नहीं जा पा रहे तो बस उस जगह पर थोड़ा सा वैसलीन लगा दीजिए और बड़ी आसानी से इयररिंग्स पहन ले जाएंगे। अपनी आईब्रोज को शाइनी बनाने के लिए आप वैसलीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें तुरंत चमक आ जाएगी। ये आईब्रो को शेप में भी रखना है। इसके अलावा यह बालों में चमक और उनकी उलझन सुलझाने के लिए बेहद कारगर है। वैसलीन को आप मेकअप रिमूवर की तरह उपयोग कर सकते हैं। अपना मेकअप साफ करने के लिए बस थोड़ा सा वैसलीन लगा कर रुई से साफ कर ले और चेहरा धो ले। इससे आपकी त्वचा नरम भी हो जाएगी। नेल पॉलिश लगाने से पहले नाखून के आसपास की त्वचा क्यूटिकल में वैसलीन लगा ले, ताकि नाखून के आसपास की त्वचा पर नेल पॉलिश लगाते वक्त नेल पॉलिश के दाग और धब्बे छूटने में मदद मिल सके। कई लोग घर पर ही हेयर कलर का काम करते हैं। बालों को कलर करते समय कई बार सिर, कान या गले की त्वचा पर कलर लग जाता है। इससे बचने के लिए अगली बार जब भी आप बालों को कलर करें या मेहंदी लगाएं तो उससे पहले अपने फोरहेड की हेयर लाइन पर वैसलीन जरूर लगाएं। तो ये थी जानकारी वैसलीन के फायदों के बारे में। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की। तो देखते रहिए पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन।